आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश प्रसाद। इस वक्त मैं खड़ा हूं झारखंड राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चर्च रोड के पास। यहां पर विद्यार्थियों ने सुबह से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को पिछले 3 वर्षों से अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है हॉस्टल में रहने के लिए। इन लोगों ने समय समय पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आश्वासन के बाद और कुछ भी नहीं मिला। आइए हम जानते हैं इन विद्यार्थियों से कि इनका क्या कहना है। तो सर, हम लोग का अलॉटमेंट तो कर देना चाहिए सर। सर, हम लोग का एक प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग तो सक्षम नहीं है तभी रहना चाहते सर हॉस्टल में। हम लोग एक मुसीबतों से नहीं जूझते हैं सर, स्टूडेंट लाइफ। सर, हम लोग यहाँ पे अपना हक के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को लगातार 3 साल से हॉस्टल अलॉट अभी तक नहीं किया गया, तो हम लोग उसी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए ही यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं सर। हम लोग सर अभी तक मतलब 10 बार से ज़्यादा यहाँ पे अप्लीकेशन दे चुके हैं प्रिंसिपल को, 5-6 बार धरना भी दे चुके हैं पहले भी। तो हम लोग हर बार आश्वासन दिलाया जाता था, हम लोग हमेशा सर फॉर्म ये सब भरवा के हर बार आश्वासन दिलाया जाता था कि हम लोग को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। नोटिस निकाला जाता था, नोटिस निकाला गया, हम लोग को अप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया, लेकिन फिर जब पारी आया अलॉटमेंट का तो बोलता है कि नहीं, हम लोग का अलॉटमेंट मेरा बस की बात नहीं है, अलॉटमेंट हमारे यहाँ पे SDO साहब करेंगे। तो सर, जब कॉलेज में अगर अलॉटमेंट SDO साहब को ही करना, तो फिर यहाँ प्रिंसिपल क्यों है हम लोग कॉलेज में? अगर ये नोटिस आया था सर कॉलेज खुलने का, तो हम लोग को ऑफलाइन कॉलेज खुलने का नोटिस आया था, ऑनलाइन चल रहा था सर, ऑनलाइन चल रहा था तो अब कॉलेज पढ़ाई भी नहीं हो रहा था सर। हम लोग कॉलेज खोलने के लिए पूरा अब देखे थे कि आया तो देखे जूनियर लोग ऑनलाइन क्लास कर रहा, जबकि ऑफलाइन सब जगह खुल चुका था सर। हम लोग दिसंबर में सर धरना प्रदर्शन दिए सर कि हम लोग ऐसा था, हम लोग सब क्यों हो रहा है, ब्लेंडेड मोड में क्यों चलाया जा रहा है, ऑफलाइन क्यों नहीं चलाया जा रहा है, और साथ ही सर वर्कशॉप बंद रहता है सर, लैब नहीं सही चल रहा है सर। हाँ, तो अभी जिला प्रशासन के लोग आए हुए हैं और सब लोग मिलकर करके शॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो समस्या था जिसके कारण शॉर्ट आउट नहीं हुआ था, जिला प्रशासन से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, जिला प्रशासन के लोग आए हुए हैं, हम सब मिलकर करके उसको शॉर्ट आउट कर। सुना इन विद्यार्थियों को कि इन लोगों ने क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है इस समस्या पे। मेरे साथ बने रहिए लाइव लगातार में, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगातार.in के साथ।